जब 2014 में मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला तो मैंने नए सिरे से पूरे देश के अंदर कुछ प्रयासों को प्रारंभ किया। हम इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर के आगे बढ़े, होलिस्टिक अप्रोच लेकर के आगे बढ़े, तमाम साइलोज को समाप्त करके हमने एक मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी रणनीति पर काम शुरू किया। एक तरफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन शुरू हुआ तो दूसरी तरफ हर उस फैक्टर पर काम किया गया जो कुपोषण बढ़ाने का कारण था। बहुत बड़े स्तर पर परिवार और समाज के व्यवहार में परिवर्तन के लिए भी काम किया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने, दूर दराज वाले इलाकों में शौचालय बनने से जहां स्वच्छता आई वहीं डायरिया जैसी अनेक बीमारियों में भी कमी देखने को मिली। इसी तरह मिशन इंद्रधनुष के तहत गर्भवती माताओं और बच्चों के टीकाकरण का दायरा भी तेजी से बढ़ाया गया। इसमें भारत में ही तैयार रोटा वायरस जैसे नए टीके भी जोड़े गए। गर्भावस्था और नवजात शिशु के पहले 1000 दिनों को ध्यान में रखते हुए मां और बच्चे दोनों के न्यूट्रिशन और केयर के लिए उसके लिए भी एक बड़ा अभियान शुरू किया गया।